हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मैग्नम हेजलनट आइसक्रीम का। आपको कितनी ही बार मन होता होगा ना चोकोबार खाने का, तो ये एक तरीके की प्रीमियम चोकोबार आइसक्रीम है। ये रिटेल करती है ₹90 की और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन थाईलैंड है और ये मैन्युफैक्चर्ड भी बैंकॉक में हुई है और उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट की गई है। ये क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम है और ये एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। अगर आपको पता ना हो तो HUL एक इंटरनेशनल कंपनी है और वो इंडियन कंपनी नहीं है। इसका कॉस्ट 90 है, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखें तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये इसके क्लेम्स को कैसे मिट्टी मिट्टी करता है। इसका फर्स्ट प्राइमरी इंग्रेडिएंट वाटर है, उसके बाद इसमें मिल्क सॉलिड का यूज़ हुआ है। मिल्क सॉलिड यानी कि जो हमारा जो पाउडर आता है, क्रीमर आता है उसका। उसके बाद इसमें शुगर है और उसके बाद हेजलनट पेस्ट है, ग्लूकोज है, कोकोआ सॉलिड है, इमल्सीफायर डाले गए हैं, स्टेबलाइजर डाले गए हैं। जो मिल्क चॉकलेट है कवरिंग, जो इसके ऊपर के कवरिंग है, वो सिर्फ 34% मिल्क चॉकलेट है। उसके अलावा इसके अंदर ये सब चीज़ें डाली गई हैं। ये जो आप बड़ा बड़ा देख रहे हैं हेजलनट शुगर, ये जो है लास्ट के इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसको मार्केट इस तरीके से किया जाता है कि ये बेस्ट हेजलनट चॉकलेट से बनाई जाती है। और इसके जो कवरिंग है उसमें 50% कवरिंग जो है वो है मिल्क चॉकलेट। तो ये था इसके इंग्रेडिएंट। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात आपको पहले बता चुकी हूँ, ₹90 की। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ आप क्लेम देख ही सकते हैं, मेड विद बेल्जियम चॉकलेट। और ये है इसका स्टैंडर्ड साइज, 80 ml का ये स्टिक है और ऊपर आपको फेरेरो रोशर की तरह चॉकलेट की कोटिंग मिल जाती है और साथ ही साथ हेजलनट चिपके हुए हैं। अगर हम इसकी एक बाइट ले तो अंदर कुछ इस तरीके की आपको आइसक्रीम मिल जाती है। इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, एक 10 रुपये वाली चोकोबार, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही पैसे उड़ाने का मन है तो आप ये खरीद सकते हैं। क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वेस्ट है ₹90 का। बट हाँ, अगर आपको कहीं फ्री में ये मिल जाए तो खा सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।